वेल आईक्यू 12 जो फ़ोन होने वाला है ना, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आ रहा है, सभी लोगों को पता है। और ये जो लॉन्च होने वाला है 12 दिसंबर को है। और अभी अभी फाइनल ये भी कंफर्म हुआ है कि आईक्यू 12 के अंदर आपको 3 ईयर्स के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा बात करेंगे आईक्यू 12 के बारे में, क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए, क्या आने वाले वन प्लस 12 बताओ या फिर शाओमी के 14 सीरीज़ के फ़ोन के साथ इसका कंपेयर हो सकता है, और इन फ़ोन से ये कितना ज़्यादा सस्ता होने वाला है, ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताऊँगा। नमस्कार, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजियोलॉजी। हमारे चैनल में ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि फिर किसी वीडियो में आपके साथ मेरा मुलाकात हो ही सकता है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें चल रहा है ना, थोड़ा सा अजीब टाइप का चल रहा है। मतलब वन प्लस अपने 12 सीरीज को लॉन्च कर रहा है 5 दिसंबर को, एंड ग्लोबली जो आईक्यू 12 है वो लॉन्च होने वाला है 7 दिसंबर को, मतलब 2 दिन का फर्क है। बट इंडिया में आईक्यू 12 आएगा 13 दिसंबर को। अब आपको थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा इसके लिए, बट एक चीज एडवांटेज है कि भाई वन प्लस 12 आने के बाद आपको इतना तक पता चल जाएगा कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 की जो परफॉर्मेंस है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा। यार Amazon पे टीजर वगैरह सब कुछ आ चुका है एंड आपको सारी कुछ चीजें देखने को मिल रहे हैं आईक्यू 12 के बारे में, एंड प्राइसिंग वगैरह भी मैं वीडियो के लास्ट तक जाके आपको एग्जांपल करके दूंगा कि भाई हाँ ये प्राइस होने वाला है फोन का, कंफर्म हो चुका है। वैसे और एक बात भी बता दूं, ये जो आउटफिट है ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट मेरा आज थोड़ा सा इन्विटेशन आ गया था, हल्दी का सेरेमनी था और मुझे जाना था, तो सुबह सुबह निकल गया फिर आके इसी को पहन के मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, बिकॉज मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बैठ गया चेयर पे। वेल आईक्यू 12 के बारे में अभी बात करते हैं। दोस्तों आईक्यू 12 जो फोन होने वाला है, ये फोन थोड़ा सा अलग होने वाला है। मतलब आपको ना इस बार कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन के साथ साथ यहाँ पे गेमिंग एंड फास्ट चार्जिंग सब कुछ फैसिलिटी एक साथ देखने को मिलने वाला है। पुनीत मारिया इनके जो सीईओ थे, इन्होंने भी ट्विटर पे कंफर्म करके बता दिया एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च होगा एंड साथ ही साथ आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। मे बी सैमसंग और आईफोन जो है बहुत ज्यादा अपडेट्स देते हैं अपने फोन में, बट इसके बाद मे बी हो सकता है ये भी कंपनी बन सकता है। और आपको इसके बाद 15, 16 एंड 17 तीन अपडेट्स देखने को मिलेंगे, मेजर अपडेट्स। सो ये चीज़ बहुत अच्छी आई कि कंपनी ने इसके ऊपर सोचा है, और ये चीज़ देखते हुए बहुत सारे जो बायर्स हैं इस फोन को ज़रूर बाय करेंगे। 2-3 चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगी इस फोन की। पहली तो बात यह है कि कैमरा जो सेक्शन है बहुत तगड़ा बनाया गया है। पीछे के साइड में ट्रिपल रियर कैमरा रहेगा जिसमें एक टेलीफोटो लेंस रहेगा 64 मेगापिक्सल का, एंड इससे आप 100x तक मून जूम कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि सैमसंग के इस सीरीज के फोन के साथ ये कितना तक बीट कर पाएगा, बट बहुत ज़्यादा तगड़ा चीज़ लगा है इन लोगों ने। साथ ही साथ जो और दो लेंस है, एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, 1.3 इंच का सेंसर है, एंड बहुत ही बढ़िया फोटोस आप उसे क्लिक कर सकते हो, एंड और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, मतलब ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया है, इससे आप ब्लॉगिंग वगैरह भी बड़े आराम से कर सकते हो। अब आईक्यू के फ़ोन में भी ब्लॉगिंग के फैसिलिटीज आपको मिल जाते हैं, गेमिंग के साथ साथ आप इसमें ब्लॉग भी ईजिली बना सकते हो बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको मिल रहा है, तो GoPro वगैरह भी खरीदने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। 2-3 चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी। स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर है, LPDDR5 रैम है 12 GB का एंड 256 GB का स्टोरेज आपको मिल जाएगा, 5000mAh का बैटरी है, साथ ही साथ उसमें 120W का सुपर फास्ट चार्जर दिया है कंपनी ने, करीबन आधे घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा आपका फोन, और थोड़े से चार्ज में लगाओगे तो एकदम ही घपाक से 20-25% चार्ज हो जाता है। सो ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है। बैटरी साइड में अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको BMW एडिशन 2-3 आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे पिछले टाइम की तरह, बट थोड़ा सा फ्लैगशिप लुक रहेगा, एल्युमिनियम फ्रेम रहेगा, 5G बैंड रहेगा। मुझे एक चीज़ पर्सनली थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा इस फोन का, जो कि है इसका फ्रंट कैमरा। इसमें अभी 6.78 इंच का एक बड़ा सा स्क्रीन भी आपको मिलेगा और बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले होने वाला है, एंड फ्रंट कैमरा पे अगर ये लोग 16 मेगापिक्सल की जगह 32 मेगापिक्सल दे देते तो थोड़ा बेटर रहता, बट 16 मेगापिक्सल से भी आप अच्छे खासे फोटोज वीडियो निकाल सकते हो। मे बी 4K इस बार नहीं हो सकता है फ्रंट में, बट अगर 32 मेगापिक्सल देते तो बेटर रहता। अब मदरबोर्ड को देखते हुए इन लोगों ने 16 मेगापिक्सल का ही सेंसर फ्रंट में चूज किया, बिकॉज पीछे के साइड में 50-50 और 64 मेगापिक्सल के कैमरा से बहुत ज्यादा आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिल सकता है। इसके वजह से ही इंप्लीमेंट्स अच्छे करके इन लोगों ने 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है इस फोन के अंदर फ्रंट में। इससे हमें कोई इश्यूज नहीं है, 16 मेगापिक्सल के अभी के जितने भी सेंसर है बहुत अच्छे है। GN3 सेंसर जो निकले हैं सैमसंग के, वो सेंसर बहुत अच्छे है एंड आप इनसे इजीली अच्छे अच्छे फोटोज वीडियोस निकाल सकते हो। सो इस फोन में भी वही सिमिलर चीज आपको मिलेंगी। अब प्राइसिंग के बारे में मैं बता दूं, चाइना में जब ये फोन लॉन्च हुआ था 45,000 रुपया प्राइस था 12 GB 256 GB का, इंडिया में जब लॉन्च होगा ये फोन आएगा 49,990, मतलब ये 50,000 रुपया मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस है। आप ये सारे स्पेसिफिकेशन देखने के बाद मेरा जो एक्सपेक्टेशन है यही बनता है, अगर इससे नीचे में आता है तो वैल्यू फॉर मनी फोन है, आप बंद करके ले लो वन प्लस 12 को भी भूल जाओ। और अगर 50,000 से ऊपर में आता है तो भाई आपको दूसरा ऑप्शन सोचना
पूछना चाहिए। ये वीडियो मैंने बनाया था एक इन्फॉर्मेशन के लिए, और 3 साल के अपडेट्स अभी कंफर्म भी हो चुका है, एंड्रॉइड 14 पे लॉन्च होगा। अगर आप इस फोन को खरीदने के लिए सोच रहे हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो भी आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। लेट्स वेट फॉर 13 December लॉन्च ऑफ IQOO 12 सीरीज, एंड मे बी ये हो सकता है बहुत ही बढ़िया फोन इंडिया का एंड बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन विथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। वेट करते हैं इसके लिए। अब बहुत ही जल्दी मेरा ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसका क्वालिटी मैं चेंज करने वाला हूँ। मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में अच्छे अच्छे क्वालिटीज के साथ, बिकॉज वी आर गोइंग टू बाई अ मिररलेस कैमरा एज सुन एज पॉसिबल। एंड कौन सा कैमरा है, कौन सा कंपनी का है, कहाँ से मैंने लिया, सब कुछ पता चलेगा। जुड़ते रहो हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेना, एंड चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।